अरे दोस्तों, आपका दोस्त आयुष्मान यहाँ है और आज हम स्कूटर्स की दुनिया में जा रहे हैं। स्पेसिफिकली वी आर टैकलिंग द बिग क्वेश्चन ऑन एवरी यंग इंडियंस माइंड, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। बड़ा मुश्किल चॉइस है, राइट? वाइब्रेंट स्ट्रीट्स और डाइवर्स लैंडस्केप्स के देश में सही सवारी चुनना बहुत जरूरी है। डू यू स्टिक विद द फेमिलियर रोर ऑफ अ पेट्रोल इंजन और एम्ब्रेस द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक? चलो पॉइंट बाय पॉइंट इसको ब्रेक करते हैं ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल और हमारे प्लैनेट के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। जेनरेशन से पेट्रोल स्कूटर्स ने इंडियन रोड्स पर राज किया है। ये हमारे सिटीज और विलेजेस के वर्क हॉर्सेस हैं, ट्रैफिक में जिप करते हुए और बम्पी टेरेन्स को कॉन्कर करते हुए। पेट्रोल इंजन का साउंड इंडियन कम्यूटिंग एक्सपीरियंस का सिनोनिमस है। But in a world grappling with climate change and rising fuel prices, is petrol still the king of the road? Ya time aa gaya hai ek naye contender ke liye crown lene ka? Let's be honest, petrol scooters ka ek alag hi charm hai. Ye easily available hain. Desh bhar mein mechanics aur spare parts ka vast network hai. Ye easy accessibility ek bahut bada plus point hai. Especially smaller towns and villages में। Another major advantage है उनका powerful performance। Petrol scooters quick acceleration और high speeds देते हैं, making them suitable for both city commutes and longer rides। Plus, there's no range anxiety। आप किसी भी petrol pump पर easily refill करा सकते हैं। However, the petrol-powered dream comes with its share of nightmares। सबसे बड़ा द एवर इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस। हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो मिनी हार्ट अटैक सा लगता है, राइट? और पोल्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। पेट्रोल स्कूटर्स अपने इमिशंस के लिए जाने जाते हैं, जो हमारे सिटीज में स्मॉग को बढ़ाते हैं और हमारे एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। प्लस रेगुलर मेंटेनेंस, ऑयल चेंजेस एंड द ओकेजनल ब्रेकडाउन आपकी पॉकेट में होल कर सकते हैं। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिक एवेन्यू, स्कूटिंग इनटू द फ्यूचर। अब बात करते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये स्लीक, स्टाइलिश एंड विस्पर क्वाइट हैं और एक क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और ग्रोइंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली अमंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस यूथ। बट आर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रियली The answer to our transportation woes, or are they just a passing fad? चलो पता करते हैं। Section 6, the electric glide, advantages of electric scooters. Electric scooters का सबसे बड़ा advantage है उनकी eco-friendliness. ये zero tailpipe emissions produce करते हैं, जिससे air pollution कम करने और climate change से लड़ने में मदद मिलती है। Imagine a future where our cities are no longer choked with smog and we can breathe clean air. Another major plus hai cost effectiveness. Badhte hue petrol prices ke saath electric scooter ko charge karna petrol scooter mein refueling karane se bahut zyada cheaper hai. Plus they require less maintenance jisse aapke oil changes and engine repairs ke paise bachte hain. Section 7, the electric dilemma. चैलेंजेस ऑन द रोड। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स परफेक्ट सॉल्यूशन लगते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी कंसर्न है लिमिटेड रेंज। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी की क्षमता सीमित होती है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। पेट्रोल स्कूटर्स की तरह आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पर पुल ओवर करके रिफ्यूल नहीं करा सकते। अपने ट्रिप्स को प्लान करना और चार्जिंग पॉइंट्स तक एक्सेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि आपके रास्ते में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन हैं एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनदर चैलेंज है इनिशियल परचेस कॉस्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की शुरुआती कीमत पेट्रोल स्कूटर्स से अधिक होती है, जो कई खरीदारों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जनरली अपने पेट्रोल काउंटरपार्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कुछ बायर्स के लिए एक बैरियर हो सकता है। हाउएवर, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फाइनेंसिंग ऑप्शंस उन्हें ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और वित्तीय विकल्पों के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की खरीद अब पहले से अधिक सुलभ हो गई है। मेंटेनेंस भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए विशेष उपकरण और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हर सर्विस सेंटर पर उपलब्ध नहीं हो सकता। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी एक चिंता का विषय हो सकती है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और विशेष डीलर्स के माध्यम से यह समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। मौसम की स्थिति भी एक चुनौती हो सकती है। बारिश और अत्यधिक गर्मी में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है, लेकिन नई तकनीकों और डिजाइनों के साथ इन चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। अंततः इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फायदे और सुविधाएं इन चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। सही जानकारी और तैयारी के साथ ये चुनौतियां आसानी से पार की जा सकती हैं। सेक्शन 8, द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इक्वेशन। जब आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं, तो उनके एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पेट्रोल स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच का फर्क सिर्फ उनकी कीमत में नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल से होने वाले प्रभाव में भी है। पेट्रोल स्कूटर्स हालांकि शुरुआत में चीप होते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, और उनका रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है फ्यूल एंड मेंटेनेंस की वजह से। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, और पेट्रोल स्कूटर्स की सर्विसिंग और मरम्मत भी महंगी होती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स शुरुआत में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसे बचाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने की लागत पेट्रोल भरवाने से काफी कम होती है, और उनकी मेंटेनेंस भी कम खर्चीली होती है, क्योंकि उनका रनिंग कॉस्ट कम होता है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से कोई एग्जॉस्ट नहीं निकलता, जिससे एयर पोल्यूशन कम होता है और हमारे पर्यावरण को फायदा होता है। यह एक ग्रीनर एंड हेल्थियर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हैं। एक स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए इलेक्ट्रिक